ध्यान देना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा। तो आज हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट को चेक करने वाले हैं इस एमीटर और इस बैटरी एलिमिनेटर की मदद से, ठीक है ना। इस बैटरी एलिमिनेटर में क्या है कि यहाँ पर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, देख रहे होंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसकी मदद से आज हम लोग चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे क्या सच में करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाने पे करंट घटता है या नहीं घटता, ठीक है। तुम इसको कनेक्ट करना, तो इसमें लो अब ये जीरो पे है ना, ठीक है। यहाँ रीडिंग ध्यान देंगे, रीडिंग ध्यान दीजिएगा आप लोग रीडिंग पे, ठीक है ना, रीडिंग पे ध्यान देंगे, कनेक्ट हो गया ना, चलो रीडिंग पे ध्यान देना, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो बताना, अभी कितना रीडिंग दे रहा है इसमें, अभी जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या है, जीरो है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते हैं, रीडिंग आया है यहाँ पे, कितना आया रीडिंग, 5.0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ा रहे, कितना आ रहा रीडिंग, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट क्या हो रहा है, और बढ़ाते हैं, देखिए तो बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा। और इधर पोटेंशियल डिफरेंस को हम घटाएंगे, देखिए तो क्या घट रहा, घट रहा, घट रहा। यही तो ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पे करंट क्या होगा, बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाने पे करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आया बात समझ में, यही ओम्स लॉ। इसमें रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। वायर को चेंज नहीं कर सकते हम, वायर फिक्स रहेगा, वायर का लेंथ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है, और इसको घटाने पे करंट क्या हो रहा, घट रहा। समझ में आ गया, यही है ओम्स लॉ, क्लियर है।